नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल तनिकाज फैशन फन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बेड, एक रेक्टेंगल टाइप रफली जो हमारा डोरमेट होता है वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे कपड़े की लेंथ रहेगी 30 और विड्थ रहेगी 22। हमने ये विड्थ 22 एंड लेंथ हमारी 30 ले ली है। ये हमारा ये बेस है जो डोरमेट बनाएंगे, तो ये हमारा थोड़ा हार्ड कपड़ा होना चाहिए ताकि हम जब रफल्स डालें तो वो इकट्ठा ना हो। एकदम टाइट वाला कपड़ा लेना हमें नीचे इस पे बेस बनाने के लिए, तो ये कपड़ा हमने ले लिया। उसके बाद हम 3 ये कपड़े लेंगे, कलर कॉम्बिनेशन ये 3 लेके, और उसके बाद इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ कट करेंगे। सबसे पहले हम ये कपड़ा ले लेंगे और 3 इंच इनकी चौड़ाई रहेगी हमारी पट्टियों की। ये हम 3 इंच का निशान लगा के 3 इंच इसकी विड्थ रहेगी। लेंथ जितना कपड़ा है हमारा 2 मीटर का वो रहेगी। 5 पट्टियाँ इस कपड़े में, 5 5 पट्टियाँ हर कपड़े में से कट कर लेंगे हम 3 3 इंच का निशान लगा के। 1 2 3 4 5 5 हो गई है। इसके बाद इस वाले में निशान लगा के, और ये पट्टियाँ कट करने के बाद ये हमने सभी पट्टियाँ कट कर ली है तीनों कपड़ों में से। उसके बाद इनको साइड में कर देंगे, और जो हमारा ये कपड़ा है ये वाला पार्ट हमारा नीचे रहना चाहिए, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। अब इसको हम मार्क करेंगे कॉर्नर से। तो पहले सबसे पहले कॉर्नर पे ऐसे मार्क कर देंगे इसको। उससे मार्क करने के बाद फिर 1 1 इंच के ऊपर निशान लगा के, और हमें कर्व बनानी है। जैसे 1 इंच का निशान इधर लगा के 1 2 कर्व बनाने के बाद हमें आइडिया आ जाएगा, फिर हर बार मेजरमेंट की जरूरत नहीं रहेगी और हम आइडिया से ही बना देंगे। ये गैप हमें 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, 1 इंच तक ही रखना है। 1 इंच से कम भी चलेगा, पर ज़्यादा मतलब फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से इस पूरे डोरमेट में हम ऐसे मार्क कर देंगे। इसको मार्क करने के बाद फिर हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। ये हमने पूरा जो हमारा डोरमेट का बेस है उसको मार्क कर दिया है। इसको मार्क करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम ये ब्राउन कलर लेंगे, ब्राउन कलर लेके और इधर जो हमारा ये फर्स्ट मार्क किया हुआ है इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। बट ये ऐसे नहीं लगानी, इसको थोड़ा आगे निकालेंगे हम, क्योंकि फिर ये हमारी जब लास्ट में इसका बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें से बाहर निकलेगा। इसको थोड़ा आगे करके और उसके बाद लगाना है उसको। और एक हल्की सी चुन्नट डालनी है इसमें, ज़्यादा चुन्नट नहीं डालनी हमें, क्योंकि ये हमने वैसे स्ट्रेट पट्टियाँ ली हुई है। अगर तिरछी पट्टियाँ काटते तो वो भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेट पट्टियों में थोड़ा सा मुड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ हल्की सी चुन्नट तभी डालनी है जब हमें उसको मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका सीधा सीधा वो आता है ना तब। ये बना ली हमने, ये हमने हमारी फर्स्ट लाइन बना ली है। तो उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे और सेकंड वाली लाइन चालू करेंगे। इसको भी ऐसे यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो कपड़ा है इससे बाहर है ये, नहीं तो अगर हम इधर रख लेंगे इसको, जैसे यहाँ रख लिया तो ये हमारा इधर हो जाएगा, जब बॉर्डर बनाएंगे तो ये कपड़ा हमारा बाहर रहेगा। हम इसको थोड़ा आगे रखेंगे, बाद में जब हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये बना ली इस तरह से। इस जो हमारा ये ब्राउन कलर है इसकी हम 4 लाइनें बना लेंगे। ये हमने 4 लाइन हमारे जो ब्राउन कलर का कपड़ा था उसकी बना ली। उसके बाद 4 लाइन ये ऑफ वाइट के, और उसके बाद ये जो ब्लू लाइनिंग वाले कपड़ा है उसकी 4 लाइन। इस तरह से करके हम लास्ट तक ये
इसमें हल्की हल्की रफल डाल लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। सारी रफल्स इसकी फिनिश हो गई है लगा के हमने। हर जो कलर है हमारी उसकी हमने चार लाइनें बनाई रफल की। इसके बाद हम इसमें एक हल्का सा डिजाइन डालेंगे और फ्लावर लगाएंगे और इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। को रफल्स बना के रेडी कर लिया है। उसके बाद जिस कॉर्नर से हमने बनाना शुरू किया था उसके इस साइड में लेंथ वाली साइड में हम 10-10 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद 10 इंच पे फिर बना दिया। दोबारा मार्क कर दिया और 10 इंच पे यहाँ आ रहा है इस कॉर्नर पे, तो इसको मार्क कर दिया। इसके बाद इस कॉर्नर से और इधर 10 इंच मार्क कर दिया हमने, और इसके बाद इधर से और इधर 10 इंच मार्क कर दिया। बस हमने ये दो साइड है, ये और ये वाली साइड मार्क करनी है, ये वाली साइड हम मार्क नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर हमने ये 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली है। ये वो वाइट कलर की हमारी 1.5 इंच वाली पट्टियाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग में अंदर जाने के लिए। और उसके बाद इनको ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे। जिस टाइम हम इसकी सिलाई करेंगे ये कॉर्नर लेके इस कॉर्नर से सिलाई करनी चालू करेंगे। इन रफल को अच्छे से कर लेंगे और हल्का हल्का मोड़ते हुए जिस साइड पहले इस साइड की सिलाई करेंगे तो इसको हल्का सा इधर अंदर मोड़ देंगे, फिर दूसरा इस साइड की सिलाई करेंगे तो इस साइड को मोड़ देंगे। और ये जो हमने 10 इंच का मार्क यहाँ बनाया था इसको इधर तक स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ये वाला मार्क बनाया था यहाँ तक स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला मार्क बनाया था यहाँ तक स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ जो मार्क बनाया था यहाँ तक स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद फिर हम जो हमने ये तीनों कलर इसमें यूज किए हैं उनका एक फ्लावर बना के यहाँ लगाएंगे। ये हम इस पर ये पट्टी लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इन रफल्स को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसको पट्टी को ऐसे मोड़ेंगे और इस पर पट्टी हमने इस पर लगा दी है। उसके बाद अब हम दूसरी वाली पट्टी लगाएंगे, वो कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। उसको यहाँ इससे यहाँ पिनअप कर देंगे, लास्ट जो पॉइंट हमने 10 इंच पे लेके बनाया था। और फिर उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे और सबसे लास्ट में इस पर फ्लावर बना लगाएंगे। हमारे डोरमेट पे हमने चारों पट्टियाँ लगा दी है अच्छे से। उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाने के लिए ये 3.5 इंच की हम जो ये पट्टी लेंगे, 3.5 इंच चौड़ाई वाली पट्टी लेंगे। उसके बाद इसको लगाएंगे। ये हमारी 3.5 इंच की हमारी पट्टी है, इसको बॉर्डर पे लगाएंगे। बॉर्डर पे लगाने के बाद सबसे लास्ट में तीनों कलर मिला के फ्लावर लगाएंगे। हमने हमारे डोरमेट पे पट्टियाँ और इसका बॉर्डर बना के रेडी कर लिया। ये बेहद खूबसूरत बन गया है। अब हम इस पर फ्लावर लगाएंगे। आप चाहे तो बिना फ्लावर भी रख सकते हैं, वो वैसे भी सुंदर लग रहा है, पर हम इस पर एक फ्लावर बना के लगाएंगे। ये हमने तीनों कपड़ों में से एक एक पट्टी कट कर ली है। इसकी विड्थ है हमारी की 3 इंच और लेंथ है 9.5 इंच तीनों पट्टियों की। इसके बाद इनका जो राइट साइड है, लेफ्ट राइट साइड के ऊपर राइट साइड रख के इनको ऐसे स्टिच करेंगे। फिर इसको स्टिच करेंगे और इनको आपस में ऐसे स्टिच कर लेंगे। बैक साइड में से राइट साइड पे राइट साइड रख के बैक साइड में से स्टिच कर लेंगे तीनों को। ये तीनों पट्टी हमने आपस में स्टिच कर ली। इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमने इंडी डील में धागा ले लिया है। इसको एक बार इंडी डील को अप एंड डाउन करते हुए इसको जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक इसको सील लेंगे। हमने लास्ट तक इसको सिल लिया है। इसके बाद इस धागे को खींच लेंगे अच्छे से।
ये धागा हमने अच्छे से खींच लिया है। ये हमारा तीनों कलर का फ्लावर बन गया है। और फ्लावर बनने के बाद इससे इसको यहाँ हम बांध देंगे अच्छे से। ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया तीनों कलर का। उसके बाद इसको इसके ऊपर लगाएंगे, ये कॉर्नर में लगाएंगे हम फ्लावर। तो यहाँ ग्लू गन मशीन से पहले ग्लू लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये हमारे पास एक क्रिस्टल का फ्लावर है, वो इसके ऊपर लगाएंगे। और इसके ऊपर ये छोटा सा वाइट कलर का बटन लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा डोरमेट बनकर रेडी हो गया। बेहद खूबसूरत, एकदम एक्सक्लूसिव। तो ज़्यादा से ज़्यादा डोरमेट और कुशन की डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर सब पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना न भूलें।